नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस कड़ी में 16th से लेके 31st ऑफ मार्च, 16 से लेके 31 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, बिना समय को वेस्ट करे क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, अब खाली स्लाइड है, आप सभी समझ गए होंगे कि खाली स्लाइड है मतलब कौन आने वाले हैं, तो एक साहित्यकार आने वाले हैं। तो साहित्यकार कौन है, तो देखिए इसके लिए कोड याद रखना कि सोमनाथ, सोमनाथ ना एक असली आदर्श छत्तीसगढ़ी गांव है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सोमनाथ एक असली आदर्श छत्तीसगढ़ी गांव है। इस कोट को क्या करना है, आपको याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसे डीकोड करना शुरू करते हैं। तो डीकोड करने के लिए ध्यान रखना, सोमनाथ तो साहित्यकार हैं, डॉक्टर सोमनाथ यादव, डॉक्टर सोमनाथ यादव साहित्यकार हैं। अच्छा, अब इनकी रचनाएं तो असली से है, असली उत्तराधिकारी, असली उत्तराधिकारी। आदर्श से क्या रचना है इनकी, आदर्श गांव। और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी दोहे। क्लियर है? तो मैंने कोड क्या बताया था, कोड बताया था सोमनाथ क्या है, तो असली आदर्श छत्तीसगढ़ी गांव है। फिर मैंने आपको क्या बताया, सोमनाथ से साहित्यकार है डॉक्टर सोमनाथ यादव, असली से असली उत्तराधिकारी इनकी एक रचना, आदर्श से इनकी रचना क्या है, आदर्श गांव, और तीसरी रचना छत्तीसगढ़ी से क्या है, छत्तीसगढ़ी दोहे। एक बात और बता दूं, सोमनाथ से एक फैक्ट आपको और याद रखना है। असल में सोमनाथ जो है वो आता है सिमगा ब्लॉक में, और जिला कौन सा है, बलौदा बाजार। और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर दो नदियों का संगम है। एक नदी जो है उसका नाम क्या है, तो नाम है शिवनाथ, और शिवनाथ की ही सहायक खारून नदी। तो खारून नदी जाकर शिवनाथ नदी के साथ कॉन्फ्लुएंस करती है, संगम करती है, कहां पर, सोमनाथ। कहां पर है, सिमगा ब्लॉक में, बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में। अब आ जाती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा। देखिए, आप अगर किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की बात करो, जो कि छत्तीसगढ़ में व्यापम के द्वारा या पीएससी के द्वारा ली जाती है, इन सभी एग्जामिनेशन में एक सब्जेक्ट का बहुत वेटेज है, वो है क्या, सीजीजीएस। अब ये जो सीजीजीएस है, ये हर एग्जामिनेशन में आता है, किसी में 50 क्वेश्चन आते हैं तो किसी में 5, लेकिन आता सब में है। तो कंपटीशन कम्युनिटी में हमने ये सोचा कि क्यों ना इस सब्जेक्ट की हम आपको एक बेहतर तैयारी कराएं। किस पर कराएं, तो YouTube पर। और कैसे, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, छात्र हित में। और कैसे रहेगा इसका फॉर्मेट, तो मैं ये जो प्रोग्राम है मोर छत्तीसगढ़, इसको लेकर आऊंगा आप सभी के फेवरेट चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में हर शनिवार दोपहर 3 बजे। ये कड़ी शुरू होने वाली है 8th of April, मतलब अगले शनिवार से। तो हर शनिवार दोपहर 3 बजे CGGS का वीडियो लाइव रहेगा कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल पर, लाइव रहेगा। मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा, साथ में आप मुझसे डाउट भी पूछ सकेंगे। और इस जो सीरीज है, इसकी शुरुआत मैं करूंगा छत्तीसगढ़ में एक एक करके सभी डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ाने से। छत्तीसगढ़ में 5 नए जिले बने हैं, जिनके चलते बहुत सारे ऐसे फैक्ट हो गए हैं जो अब आपको लग रहा है कि ये इस जिले में आता है कि उस जिले में आता है, किसमें कौन से तहसील है, कौन से विकास खंड है। बहुत ज्यादा लोगों को इसमें क्लैरिटी नहीं है, बहुत जगह पर कंफ्यूजन होता है। तो बिल्कुल डिटेल में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करके मैं आप सभी के सामने लेकर आ जाऊंगा।
प्री के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी, व्यापम के हिसाब से, हर एक एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो याद रखना 8 अप्रैल 2023 हर शनिवार एवरी सैटरडे दोपहर 3 बजे लाइव रहेगा। कहां पर? तो कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं और हमेशा की तरह क्या करते हैं तो लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संत श्री पवन दीवान के नाम से राज्य अलंकरण किस क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की गई है। सही आंसर इसका क्या था? डी, कविता लेखन। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या था, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को पेन अमेरिका द्वारा पेन नाबोकोफ पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। सही आंसर क्या थे? श्री विनोद कुमार शुक्ल जी, जो कि ऑप्शन ए थे। उसके बाद अगला क्या था, ग्राम सोंडरा में मिली बुद्ध की प्रतिमा किस राजवंश से संबंधित है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पांडुवंश। नेक्स्ट क्या, तो विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित पुस्तक यात्रा के लेखक कौन, तो सही आंसर डॉक्टर सत्यजीत साहू थे। और इसके बाद का क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों पर जो राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई उसका शुभारंभ कहां किया गया, तो किया गया था रायपुर में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो ये तो हुए क्वेश्चंस जो कि पिछले वीडियो से थे। अब हम क्या करते हैं, तो हम इस जो सीरीज है जिसमें मैं 15 से लेकर 31 तक के मार्च के करंट अफेयर्स आपको बता रहा हूं, इसके टॉपिक्स पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ। अब ये जो योजना है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पेपर नंबर 5 को ढंग से देखे हो तो पेपर नंबर 5 में एक ट्रेंड है जिसमें योजनाओं को 30 वर्ड्स और 60 वर्ड्स में लिखने को दे देता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पेपर नंबर 5 वही है जिसमें छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी भी है और छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी भी है, तो दोनों से ही से संबंधित है ये योजना। तो इसलिए इसे आप 30 और 60 वर्ड्स में तैयार कर लेंगे। तो क्वेश्चन तो पहले से ही बता दिया मेंस का, अब इसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये जो योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया, तो डेट याद रखना है 21 मार्च 2023। तो 21/3/23 ये डेट था, और इस डेट को कौन सी योजना शुरू हुई, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। किस अवसर पर, तो यह था वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, विश्व वानिकी दिवस। इसी अवसर पर 21 मार्च को इस योजना का शुभ आरंभ किया गया। ठीक है, कहां, तो रायपुर में वर्चुअली इसका शुभारंभ किए कौन, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। समझ में आया? तो कब, 21 मार्च कहां, तो रायपुर से वर्चुअली किसने, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके उद्देश्य की या ऑब्जेक्टिव की, तो ध्यान रखना इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उद्देश्य है किसानों की जो आय है उसको क्या करना, बढ़ाना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है, छत्तीसगढ़ में ग्रीन कवर जो है उसे बढ़ाना। तो उद्देश्य नंबर 1 किसानों की आय बढ़ाना, उद्देश्य नंबर 2 छत्तीसगढ़ में ग्रीन कवर बढ़ाना, मतलब पेड़ों कवर बढ़ाना। अच्छी बात है ये बात। अब समझिएगा ये कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे आय बढ़ेगी, कैसा ग्रीन कवर जो है वो छत्तीसगढ़ का बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर किसानों की सहमति से, जो किसानों की भूमि है उनका जो लैंड है उसमें ऐसे पेड़ों का रोपण किया जाएगा, ट्रीज का प्लांटेशन किया जाएगा जो कि कमर्शियली यूजफुल है। समझ में आया? तो ऐसे पेड़ जो कि कमर्शियली यूजफुल है, समझ में आया कि नहीं आया, उन पेड़ों का रोपण प्लांटेशन किया जाएगा किसानों की सहमति से उनके खेतों में। क्लियर है कि नहीं है? तो उद्देश्य है आय में वृद्धि और ग्रीन कवर को बढ़ाना। कैसे, तो पेड़ लगाएंगे, तो किसानों की सहमति से उन्हीं की भूमि पर लगाएंगे क्या, ऐसे पेड़ जो कि कमर्शियली ज्यादा यूजफुल हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब इस योजना को सभी 33 जिलों 33 डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया है, शुरू किया गया। और दूसरी बात, ऐसे सभी लोग जो कि भूस्वामी हैं और इच्छुक हैं, इसके अलावा शासकीय, गवर्नमेंट, अर्धशासकीय, सेमी गवर्नमेंट, इसके अलावा शासन की स्वायत्त संस्थाएं, इसके अलावा कोई प्राइवेट संस्था है, कोई निजी ट्रस्ट है,
उसके अलावा गैर शासकीय संस्था है, इसके अलावा पंचायत है, या जिनके पास लैंड का लीज है, भूमि अनुबंध धारक, ये सभी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मतलब इस योजना के ये सब क्या है, लाभार्थी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ये बात। अच्छा, अगर 5 एकड़ तक की भूमि पर रोपण किया जाता है तो इसमें आपको वित्तीय अनुदान फाइनेंशियल एड कितना मिलेगा, पूरा 100%। और 5 एकड़ से अधिक की भूमि में अगर आप रोपण करेंगे तो आपको एड मिलेगा कितना, 50%। समझ में आया? तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे, कब शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हुआ, यह भी देखा। फिर हमने उद्देश्य देखा, ऑब्जेक्टिव। फिर हमने क्या देखे, लाभार्थी कौन कौन है। फिर हमने इसका क्लॉज देखा कि 5 एकड़ तक है तो 100%, 5 एकड़ से अधिक है तो कितना मिलेगा, 50% की वित्तीय अनुदान। नेक्स्ट, कौन कौन से पेड़ लगाए जाएंगे, तो क्लोनल नीलगिरी, इसके अलावा टिश्यू कल्चर बांस, सागौन, मालाबार नीम, ऐसे पेड़ जो कि आर्थिक लाभ देने वाले हैं, बताया ना, कमर्शियली यूजफुल है, जिनसे आर्थिक लाभ हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो, ऐसे पेड़ों को लगाया जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब ये जो योजना है इससे लगभग किसानों को प्रति एकड़ 15,000 से 50,000 रुपए की क्या होगी, इनकम होगी। और छत्तीसगढ़ सरकार ये प्लान कर रही है कि आने वाले 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ में इस योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाएगा। और वृक्षों की संख्या कितनी होगी, तो 15 करोड़। तो ग्रीन कवर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो 15 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे 1,80,000 एकड़ में 5 वर्षों में। ऐसा गवर्नमेंट ने क्या रखा है, एम रखा है। क्लियर है? अब अगर हम लोग आ जाएं क्वेश्चंस पे, तो सबसे पहले प्री से शुरुआत करते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब हुई? आंसर याद रखना, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, विश्व वानिकी दिवस, डेट याद रखना 21 मार्च 2023। क्लियर है कि नहीं? शुभारंभकर्ता कौन थे, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। क्लियर है कि नहीं है? तो फैक्ट तो इतना। अगला फैक्ट क्या देगा कि 5 एकड़ जो है तक के रोपण में कितना परसेंट अनुदान है, 100। और डिटेल पूछ देगा तो 5 एकड़ से अधिक में 50% वित्तीय अनुदान है। तो प्री के पॉइंट से या प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से, आप ये 4 पॉइंट जो है इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं मेंस के दृष्टिकोण से कहूं तो ध्यान रखना, आपको अगर 60 वर्ड्स में पूछ दे तो आपको किन किन पॉइंट्स में जिस आंसर को लिखना है या इस योजना को लिखना है, तो पहला पॉइंट जो है वो इस योजना का परिचय रहेगा। क्या रहेगा, परिचय। अब ये जो परिचय है इसमें आप बताएंगे कि योजना कब शुरू हुई, किस उपलक्ष्य पे शुरू हुई, और इसके अलावा कौन ने इस योजना का शुभारंभ किया या किसने इस योजना का क्या किया है, शुभारंभ किया। ये पहला पॉइंट आएगा। क्लियर है कि नहीं? अगला जो है सीधा सीधा आएगा, इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य लिख देता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव बताया हूं, आय वृद्धि, ग्रीन कवर में वृद्धि, कैसे वृद्धि, पेड़ लगाएंगे। ठीक है कि नहीं है? इसके बाद इस योजना के डिटेल को आपको बताना है, तो डिटेल में क्या आ जाएगा यहां पर कि 5 एकड़ तक 100%, 5 एकड़ से ज्यादा 50%। और लास्ट पॉइंट क्या बताना है आपको, इस योजना का क्या टारगेट है। तो टारगेट जो आपको मैंने बताया है, 15 करोड़, 5 वर्ष में 1,80,000 एकड़ पर वृक्षारोपण का लक्ष्य। क्लियर है कि नहीं है? तो इन 4 पॉइंट्स में आप मेंस में क्या करना, इस आंसर को लिख लीजिएगा। चलिए अब अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। तो क्या है, गोधन न्याय योजना को क्या मिला, राष्ट्रीय अवार्ड। तो गोधन न्याय योजना आप जानते छो, इसको ऑलरेडी स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल चुका है, इसके अलावा एलएच इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है, अब इसके बाद इसे एक और नेशनल अवार्ड मिला। तो गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020, दिन क्या था, हरेली, गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई। और ये वही योजना है जिसके माध्यम से सरकार
गोबर खरीदी पशुपालकों से खरीदती है, क्या गोबर खरीदी करती है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है, तो गौमूत्र की खरीदी भी पिछले साल हरेली से ही शुरू की गई है, आपको ध्यान में होना चाहिए। अब हुआ क्या, ये जो गोधन न्याय योजना है इसको 20th CSIG कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, इसका ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। किसको? गोधन न्याय योजना को। कहां दिया गया? तो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर है? न्यू दिल्ली। और इसी में सभागृह है, हॉल है, डॉक्टर बीआर अंबेडकर के नाम से, वहां पर गोधन न्याय योजना को 20th CSIG ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया। ठीक है कि ठीक है कि नहीं। तो बेसिकली स्टोरी ऐसी है कि ये जो अवार्ड है ये कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है उसी के द्वारा दिया गया। तो ये बता ही चुका हूं CSI कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया SIG स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, इसी ने ये अवार्ड को दिया। ठीक है कि नहीं है? तो नई दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, यह भी बात आपको बता चुका हूं कि भाई नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर है, बताया चुन दिल्ली में करके। तो ये जब कार्यक्रम आयोजित हुआ तो हमारी कृषि विभाग की ओर से ये जो अवार्ड है इसको लेने के लिए संयुक्त संचालक RL खरेजी गए थे और उन्होंने इस अवार्ड को क्या किया, ग्रहण किया। ठीक है कि नहीं? किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? तो गोधन न्याय योजना जो है इसको राज्य और प्रोजेक्ट कैटेगरी में, स्टेट एंड प्रोजेक्ट कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पर आ जाए तो यहां से देखिए गोधन न्याय योजना, इसको 60 वर्ड्स में सेपरेटली आप रेडी कर ही सकते हैं मेंस के लिए। ठीक है। अब ये जो न्यूज आप देख रहे हो ना पूरा का पूरा, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? तो भाई आपको पूछ देगा कि गोधन न्याय योजना को निम्न में से कौन से अवार्ड मिले हैं, तो सही आंसर क्या है, 20th CSIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा। फिर पूछ देगा ये अवार्ड कौन देता है, तो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा ये। किस कैटेगरी में मिला है, तो थर्ड क्वेश्चन बनेगा आपका राज्य और प्रोजेक्ट कैटेगरी में। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से 3 MCQs और चौथा कहां दिया गया, तो ये भी याद रख सकते हैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये 4 MCQs आप रेडी कर सकते हैं और साथ ही मेंस का एक क्वेश्चन गोधन न्याय योजना के ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, रेडी करके रख सकते हैं। चलिए अब हम अगले न्यूज पर आ जाते हैं या अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। टीवी अलिविएशन उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के 4 जिले क्या किए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं। ठीक है भाई, अब न्यूज को समझते हैं। तो सबसे पहले कब, तो 24th of March 2023 ये वर्ल्ड टीवी डे था। विश्व क्षय दिवस, वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च 2023 के दिन। अब इस दिन हुआ क्या कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके द्वारा क्या किया गया, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित किया गया था वर्ल्ड टीबी समिट। समझ में आया कि नहीं आया? तो वर्ल्ड टीबी समिट आयोजित हुआ प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसने क्या किया था, इसे आयोजित किया था। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो एक है गरियाबंद और गरियाबंद के जस्ट बगल में क्या है, धमतरी। फिर क्या है, तो 2 याद रखना, बी से बस्तर और बी से बलौदाबाजार भाटापारा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया। इसमें स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा गरियाबंद है इस डिस्ट्रिक्ट को क्या मिला, सिल्वर मेडल। गरियाबंद को क्या मिला है, सिल्वर मेडल, एक बात। और गरियाबंद के बगल में क्या है, धमतरी, मैप आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का, तो धमतरी को और बी से बस्तर और बी से बलौदाबाजार भाटापारा इनको क्या मिला है, तो इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो 3 को ब्रॉन्ज, 1 को सिल्वर। अब ये क्या क्राइटेरिया है भाई ब्रॉन्ज और सिल्वर का, तो ये समझ लेते हैं कि पिछले 7 वर्षों में
टीबी के संक्रमण दर में अगर 40% की कमी आई तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को क्या दिया गया? रजत पदक। और अगर संक्रमण में 20% की कमी आई तो उनको क्या दिया गया? कांस्य पदक। तो जिन्होंने टीबी का संक्रमण 40% रोका या 40% तक रोका उनको क्या मिला है? सिल्वर मेडल। और जो 20% तक रोके हैं उनको क्या दिया गया है? तो उनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो सिल्वर किसको मिला है? गरियाबंद को। ब्रॉन्ज किसको मिला है? बस्तर, धमतरी, बलौदा बाजार, भाटा पारा। अब इस न्यूज से हम लोग क्या कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए दो प्रकार के यहां से बन सकते हैं। एक तो पहले एमसीक्यू बता देता हूं, पूछ देगा कि टीबी उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ के कितने जिले सम्मानित हैं, तो 4 पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछेगा कब सम्मानित किया गया, तो दूसरा 24 मार्च 2023, तो ये सेकंड क्वेश्चन बन गया। थर्ड, निम्न में से कौन से सम्मानित हैं या नहीं, तो नाम याद रख लेना, थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। गरियाबंद, बस्तर, धमतरी, बलौदाबाजार, भाटा पारा, इसमें से और डिटेल में जाना चाहे तो पूछ लेगा कि किसको सिल्वर मेडल मिला था, तो वो याद रखना गरियाबंद को मिला है, ब्रॉन्ज बस्तर धमतरी और बलौदाबाजार को है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, इसके अलावा अगर मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपको सीधा इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा मेंस में, लेकिन अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई ऐसे लिखने के लिए आ रहा है तो उस कंडीशन में आप इन फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे में काम आ जाएगा, और साथ में किस में काम आ जाएगा? सीधा सीधा एमसीक्यू के तौर पर किसी भी प्री या व्यापम लेवल के एग्जामिनेशन में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। राज्यपाल ने हमारे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस श्री रमेश सिन्हा को क्या किया है? शपथ दिलाई, ओथ एडमिनिस्टर किया। कब? तो 29 मार्च 2023 को। कब? 29 मार्च 2023 को किया है। ठीक है, आपको पता होगा अभी हमारे राज्यपाल कौन है, तो लास्ट वीडियो में इनके बारे में मैंने बताया था आपको, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। क्लियर है कि नहीं? इन्होंने ओथ दिलाया किसको? श्री रमेश सिन्हा, जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 15th मुख्य न्यायाधीश होंगे। आप ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो है वो कौन से नंबर का है? 19th क्रम का है। कौन से नंबर का है? 19वें नंबर का। क्लियर है कि नहीं? और उस 19वें नंबर के हाई कोर्ट के ये 15th चीफ जस्टिस है। आपको ध्यान होना चाहिए पहले कौन थे, तो जस्टिस डब्ल्यू ए शशांक, और 14th इनके जस्ट पहले कौन थे, तो जस्टिस ए के गोस्वामी। एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, आप लोग जाना वेबसाइट पे और जाके सर्च करके मुझे बताना अभी करंट में जजेस की संख्या छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कितनी है। क्लियर है? अब ये जो न्यूज है ये एमसीक्यू के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है पहला क्वेश्चन कि श्री रमेश सिन्हा जो है इनको ओथ किसने दिलाया, तो श्री विश्वभूषण हरिचंदन। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि श्री सिन्हा जो है छत्तीसगढ़ के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट के, तो 15वें नंबर के। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि श्री रमेश सिन्हा इससे पहले किस न्यायालय में न्यायाधीश थे, तो याद रखना इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे इससे पहले श्री सिन्हा। क्लियर है कि नहीं है? तो इतने सारे क्वेश्चंस को आप इस न्यूज से रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नगरी दुबराज को क्या मिला है? जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कौन सा टैग? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये जीआई टैग क्या होता है तो समझिएगा, कोई भी ऐसा उत्पाद है, प्रोडक्ट है, जो कि किसी एक क्षेत्र विशेष से, लोकेशन स्पेसिफिक से आता है और उसके जो गुण हैं उस क्षेत्र के अनुसार हैं, तो उसे जीआई टैग दिया जा सकता है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के एक और धान की प्रजाति जिसका नाम क्या था? जीरा फूल। बेसिकली सरगुजा के तरफ मिलेगा ये जीरा फूल, इसको जीआई टैग मिला था। और अब क्या किया गया है, नगरी दुबराज जो बेसिकली सिहावा के आसपास माना जाता है कि यहीं से ये नगरी दुबराज जो है वो आया है, या नगरी दुबराज का सिहावा ही क्षेत्र है, तो
नगरी दुबराज की उत्पत्ति का स्थल जो है माना जाता है क्या है, सिहावा। और इसको बहुत ही प्रयासों, लंबे प्रयासों के बाद फाइनली जीआई टैग जो है मिल गया है। पिछले एक साल से आप सुन रहे होंगे कि नगरी दुबराज जो है उसको जीआई टैग मिला मिला करके फाइनली अभी मिला है। उस समय रिक्वेस्ट चल रहा था, हो रहा था, फाइनली अभी डिक्लेयर हो गया, मिल गया जीआई टैग किसको, नगरी दुबराज। इससे एक और चीज याद रखना, एक और धान की किस्म है छत्तीसगढ़ की जिसको जीआई टैग मिला है, उसका नाम क्या है, जीराफुल। जीराफुल सरगुजा की तरफ है और नगरी दुबराज नाम से ही पता चल जाएगा, नगरी मतलब धमतरी जिला, तो धमतरी जिला के सिहावा से। अब सिहावा बहुत फेमस है श्रृंगी ऋषि के आश्रम से। आपको पता होना चाहिए कि ये ऋषि श्रृंगी ही थे जिनके पास श्री राम के पिता दशरथ गए थे और पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे कहा था यज्ञ करवाने के लिए। तो ऋषि श्रृंगी ने दशरथ जी को यज्ञ करवाया था पुत्र प्राप्ति के लिए। वैसे तो सिहावा बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता ही होगा कि श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। इसके अलावा यहाँ पर सप्त ऋषि आश्रम भी है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, तो कर्णेश्वर महादेव का मंदिर भी है, कहाँ पर, सिहावा में। और सिहावा पर्वत की अगर बात करूं, सिहावा पर्वत जिसका प्राचीन नाम क्या था, सुक्तिमती पर्वत, तो यहां से एक बहुत फेमस नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, महानदी, जिसको छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़, महानदी। उद्गम स्थल क्या है, ओरिजिन क्या है, सुक्तिमती पर्वत या सिहावा पर्वत। सिहावा अब का नाम है उसका, सुक्तिमती पर्वत प्राचीन नाम था। तो महानदी का उद्गम सिहावा हिल या सिहावा पर्वत, प्राचीन नाम सुक्तिमती पर्वत। क्लियर है कि नहीं? और सिहावा में कर्णेश्वर महादेव याद रखना, सप्तऋषि आश्रम याद रखना, इसके अलावा श्रृंगी ऋषि आश्रम याद रखना। क्लियर है? क्वेश्चन की अगर बात करूं तो क्या क्या आ सकता है, तो सीधा पूछेगा भाई कि जीआई टैग किसको मिला है, क्या लगा क्या हो गए, नगरी दुबराज। सिहावा में कर्णेश्वर महादेव मंदिर है, श्रृंगी ऋषि आश्रम है, सप्तऋषि आश्रम। तो खासकर ये जो कर्णेश्वर महादेव है, बड़ा ही स्पेसिफिक नाम है, इस नाम से शायद दूसरा महादेव मंदिर आपको छत्तीसगढ़ में ना दिखे, तो आपको पूछ सकता है कर्णेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस स्थान पर है। आंसर क्या लगा के आएंगे, सिहावा लगा के आएंगे। नेक्स्ट आप क्या पूछ सकता है आपको, तो आपको पूछ सकता है महानदी का उद्गम तो सिहावा पर्वत। क्लियर है कि नहीं है? इस बार महानदी के बारे में प्री में क्वेश्चन आया ही था। और महानदी जो है इसके बारे में क्या पूछ सकता है, निम्न में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन कहा जाता है, तो वो महानदी है। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है क्या, रेडियो संगवारी। तो ये सीधा प्रीम क्वेश्चन आ सकता है, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेलवे स्टेशन बोल रहा हूं, पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन कौन सा है, तो कौन सा लगा के आएंगे, रेडियो संगवारी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन क्या है, तो रेडियो संगवारी। अगला क्वेश्चन, किसने लॉन्च किया है, तो सीएम सर श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। अब इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से किया क्या जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है, बोली भाषा है, इसको प्रमोट करने का काम किया जा रहा है। इस रेडियो के माध्यम से आप 24 घंटे छत्तीसगढ़ी गीतों का मजा ले सकते हैं, जसगीत सुन सकते हैं, ददरिया सुन सकते हैं, पंथी गीत सुन सकते हैं, सभी प्रकार के छत्तीसगढ़ी गीतों को आप 24 घंटा सुन सकते हैं इस रेडियो संगवारी के माध्यम से, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट, तो कुछ छोटे छोटे विविध पॉइंट्स हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है। तो चेटरी चंद महोत्सव जो है, इस पर इस बार नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में अवकाश क्या किया, घोषित किया गया। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि निम्न में से अवकाश किन दिनों पर था, किन दिनों पर नहीं था करके, हालांकि चांस बहुत कम है आने का। इसके अलावा मांझिनगढ़, तो ये कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में है, मांझिनगढ़ जो है यहां पर जैव विविधता पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित करने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने क्या की है, घोषणा की है, ठीक है। अगला क्या है, तो बहुत बड़ी घोषणा जो हुई है, धान की खरीदी प्रति एकड़ कितनी होगी, अब 20 क्विंटल, पहले कितनी हो रही थी, 15 क्विंटल, तो 15 क्विंटल में 5 क्विंटल बढ़ाकर प्रति एकड़ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, MSP पर धान की खरीदी अब प्रति एकड़ होगी 20 क्विंटल,
तो पहले 15 क्विंटल होती थी, 5 क्विंटल बढ़ा दी गई, अब होगी कितनी, 20 क्विंटल एमएसपी पर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बात आप ध्यान में रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट ना। ये आपको सीधा प्री में भी पूछ सकता है, मेंस में भी 30 वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। पता है कि एमएसपी पर धान खरीदी जो है अब प्रति एकड़ कितने क्विंटल की जाती है? जब हाफ बिजली बिल योजना हुई थी ना, तब पूछ लिया था कितने यूनिट पर, तो 400 यूनिट आंसर था, 30 वर्ड्स में आया था पेपर नंबर 5 में ये क्वेश्चन। तो वैसे ही पेपर नंबर 5 में सीधा पूछ देगा कि अब बढ़ाकर कितना क्विंटल कर दिया गया है करके। ठीक है, अगला क्या है, खपरी जलाशय जो है इसका नाम स्वर्गीय श्री दाऊ वासुदेव चंद्राकर के नाम पर होगा। तो खपरी जलाशय दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जानते ही होंगे, स्वर्गीय श्री दाऊ वासुदेव चंद्राकर के नाम पर। और उसके बाद एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो प्री के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा दर जो है, या मनरेगा में मजदूरी की दर जो है, वो कितने रुपए बढ़ गई है, 17 रुपए। और हो कितनी गई है, तो हो गई है 221 रुपीज। तो 17 रुपए बढ़ गए और 221 रुपए मिलेंगे। कब से? तो 1 अप्रैल 2023 से, मतलब आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, ऐसा मत सोचना ना कि 1 अप्रैल को बोला हूं तो छत्तीसगढ़ लाइव वाला जो वीडियो है वो अप्रैल फूल है। बिल्कुल नहीं है, वो चालू होगा सही में, अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूं। क्लियर है? तो इतने सारे पॉइंट्स को विविध में आपको याद रखना है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपको। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित वर्ल्ड टीबी समिट में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को पदक दिया गया या प्रदान किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कर कमेंट करके आप क्या करेंगे बताएंगे। तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेलवे स्टेशन, रेडियो स्टेशन, बार बार रेलवे स्टेशन निकल रहा है, छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्रों में किस अवसर पर शासकीय अवकाश की घोषणा की गई? और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मनरेगा के तहत राज्य में 1 अप्रैल 2023 से मजदूरी दर जो है वो कितनी मिलने वाली है? क्लियर है? तो इन क्वेश्चंस का मैं निवेदन करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, आंसर मुझे बताएं। ठीक है, अब मैं आपसे कब मिलूंगा, तो सीधा 8 तारीख को मेरे लाइव वीडियोज में, और 8 तारीख से प्रत्येक शनिवार मेरे लाइव वीडियो CGGS के आपको लगातार मिलने लगेंगे। चलिए, तो मैं मिलता हूं आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।